दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to channel. This is the YouTube boy with you. दोस्तों, बिग बॉस लीग 2021-22 का 35वां मुकाबला एडिलेड स्ट्राइकर्स और होबर्ट हरिकन्स के बीच आज खेला जाने वाला है। दोपहर के 12:30 बजे से ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। दिन के दो मुकाबले हैं। पहले मुकाबले का अपडेट ऑलरेडी आ चुका है, कल जो मैच होने वाला था वो आज होगा, ठीक है। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी या फिर एक्स्ट्रा अपडेट होगी वो हमेशा की तरह मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, 1000 लाइक का टारगेट है, क्योंकि दिन के दो मैच हैं और दोनों मैचों की वीडियो मैं आपको आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है और ये आज के दिन के दूसरे मैच की वीडियो है। तो 3500 मुकाबला एडिलेड स्ट्राइकर्स और होबर्ट हरिकन्स के बीच एडिलेड ओवल में खेला जाने वाला है, यानी कि एडिलेड के ग्राउंड पर खेला जाने वाला है। एडिलेड की टीम होम टीम रहने वाली है और आपको पता ही है कि यहाँ की जो विकेट है कभी कभी बल्लेबाजों को फेवर कर जाती है तो कभी कभी गेंदबाजों को फेवर करती है। 170 के आसपास का एवरेज स्कोर है, 59 मुकाबले हो चुके हैं, 37 बार बैटिंग फर्स्ट और 22 बार बैटिंग सेकेंड जीती है। स्कोरिंग पैटर्न हम देख सकते हैं, बिलो 150 14 बार बना है, 152 170 15, 172 190 23 और 190 प्लस 7 बार बना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो मुकाबला होने वाला है ये 170 के आसपास का होने वाला है या फिर हो सकता है इससे भी ज़्यादा का हो जाए। लो स्कोरिंग मुकाबला मेरे अनुसार ये नहीं होने वाला है। टोटल 4 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले जा चुके हैं, चारों ही बार बैटिंग फर्स्ट जीती है। वंस अगेन बैटिंग फर्स्ट, जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। 44 विकेट गिरे हैं इन 4 मैचों में, 60 विकेट गिरे हैं, 44 विकेट पेसर्स को और 16 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो 16 मुकाबले हो चुके हैं, 9 एडिलेड जीती है और 7 होबर्ट हरिकन्स की टीम जीती है। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो बैक टू बैक 5 मुकाबले एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम हार चुकी है। वहीं होबर्ट की बात की जाए तो होबर्ट हरिकन्स की टीम जो है पिछले 5 मुकाबलों में 3 जीती है, 2 हारी है। लास्ट 5 हेड टू हेड मुकाबलों में 2 मुकाबले एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम जीती है और 3 मुकाबले होबर्ट हरिकन्स की टीम जीती है। पॉइंट्स टेबल पर 8वें नंबर पर है एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम, 8 मुकाबलों में 1 जीते हैं, 7 हारे हैं। वहीं होबर्ट हरिकन्स की टीम 8 मुकाबलों में 4 जीते हैं, 4 हारे हैं। बात की जाए अगर पॉसिबल प्लेइंग 11 की तो आपको एडिलेड स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11 स्क्रीन पर शो हो रही है। गॉर्टन और हंट में से कोई एक खेल सकता है, बाकी सेम कॉम्बिनेशन हो सकता है। फॉर्म की बात की जाए तो इनके बल्लेबाज रन जरूर बना रहे हैं लेकिन जरूरत के अनुसार रन नहीं बना पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वेल्स 201 रन बना चुके हैं, किरे ने भी 142 बनाया है, 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 116 रन नेल्सन ने भी बनाया है, रेंजो ने 171 बनाया है, शॉर्ट ने 186 बनाया, वेदरन ने भी 145 बनाया है, लेकिन टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा रहा है। यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग बल्लेबाजी टीम नहीं कर पा रही, स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही। गेंदबाजी में जो है इनके 2 गेंदबाजों ने, राशिद और सिडल ने 11-11 विकेट लिए हैं और अगर का भी प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। वेदरन का पिछले 5 मैचों में 2 अच्छी पारी आई है, 51 और 31 की। शॉट की बात की जाए तो पिछले 5 मैचों से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा खेले थे, हालांकि फॉर्म में तो नज़र आ रहे हैं, टच में तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत को, एक तेज़ शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। रेंजो की बात की जाए तो खेल रहे हैं, ये अकेले खेल रहे हैं, 63-38-30 लगातार बना रहे हैं, 20-22-25 ऐसे करके रन भी बना रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ये एंकर का रोल तो प्ले कर पा रहे हैं लेकिन दूसरे एंड से जो है कोई जो है धमाका नहीं कर पा रहा है। वेल्स की बात भी है तो ये भी ठीक प्रदर्शन किए हैं, 32-55 और 46 पिछले 5 मैचों में 3 अच्छी पारी आई है। तो रेंजो और वेल्स पर काफ़ी डिपेंड करेगा ये मैच भी, ये दोनों इस मैच में भी रन कर सकते हैं। बात की जाए अगर इनकी गेंदबाजों की तो आप देख सकते हैं सीडल लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा गड़बड़ाया था लेकिन पिछले 4 पारियों से आप देख सकते हैं कि 1 बार 2 विकेट, 1 बार 3 विकेट और 1-1 विकेट, मतलब कि पिछले 4 पारियों से लगातार इन्हें विकेट मिल रहा है। राशिद की बात की जाए तो इनको भी पिछले 5 मैचों में सिर्फ 1 मैच को छोड़कर हर मैच में विकेट मिला है, 2 बार 3 विकेट भी ले चुके हैं। तो ये दोनों गेंदबाज कंसिस्टेंस रहे हैं और आखिरी मुकाबले में 3 विकेट लिया था अगर ने, अगर का प्रदर्शन आप देखें तो 1 मैच में 3 विकेट लिए, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 3, तो इस हिसाब से इस मैच में इन्हें विकेट नहीं मिलेगा, ऐसा ही प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कुछ मैचों से, ठीक है। तो इन 3 गेंदबाजों पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा और मुझे
लगता है कि इस मैच में राशिद और सीडल ही जो है अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट्स ले सकते हैं, मोस्ट ऑफ विकेट्स ले सकते हैं। वैसे अच्छी गेंदबाजी तो कोई भी कर सकता है, मैं मोस्ट विकेट की बात कर रहा हूँ, तो इन्हीं दोनों में से कोई ले सकता है या फिर ये दोनों ले सकते हैं। बात की जाए अगर होवर्ट हरिकन्स की, तो इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। ब्रूक और ज्वेल में से कोई एक खेलेगा। फॉर्म की बात की जाए तो इनके तीन बल्लेबाज बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं और उन्हीं तीनों बल्लेबाजों पर जो है ये मैच जो है टिका हुआ है। शॉट 223 रन बना चुके हैं, वेड 176 और मैकडॉर्मंट 353 रन सिर्फ 6 पारियों में। तो इन्हीं तीनों पर जो है ये पूरा मैच है, ये तीनों निकल गए तो फिर होवर्ट की टीम भी निकल गई। गेंदबाजी की बात की जाए तो रॉजर्स बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 14 विकेट ले चुके हैं। एलिस 11 विकेट ले चुके हैं। इनके दो गेंदबाज बहुत ही अच्छे फॉर्म में। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो डार्ची शॉट अच्छी शुरुआत दे रहे हैं लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। 27, 37, 26 करके इन्होंने पिछले बैक टू बैक तीन पारियों में जो है रन किया है, लेकिन अब इन्हें ज़रूरत है बड़ी पारी में पारी को तब्दील करने की। और एडिलेड इनकी फेवरेट टीम है, बहुत ज़्यादा रन बनाया है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वेट की बात की जाए तो बैक टू बैक तीन फ्लॉप पारी आई है मैथ्यू वेट की। इस मैच में वेट का बल्ला चल सकता है। मैकडॉर्मंट बैक टू बैक तीन धमाकेदार पारियां खेलने के बाद आखिरी मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे। 2 शतक बैक टू बैक लगाया था, 67 रन भी बनाया था उससे पहले। और मुझे लगता है कि इस मैच में वेड और मैकडॉर्मंट का बल्ला चल सकता है, साथ ही साथ शॉट भी वेड के साथ मिलकर अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। यानी कि मुझे लगता है कि इस मैच में होवर्ट का टॉप 3 अच्छा परफॉर्म करने वाला है। बाकी नीचे की बात किया तो ब्रूक पिछले 5 मैचों से फ्लॉप पारियां दे रहे हैं। हैंडस्कॉम जो है ये भी मतलब कि कुछ खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन नहीं रहा है। 20 प्लस का एक स्कोर आया, 40 प्लस का है। वहीं टीम डेविड 6ठे नंबर के हिसाब से बहुत ही बेकार खेल रहे हैं, मतलब कि जो टच पिछले साल इन्होंने दिखाया था, जो क्लास दिखाया था, वो इस साल देखने को नहीं मिला है। एलिस पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए थे और पिछले 5 मैचों में 1 बार 3 विकेट और 1 बार 2 विकेट ले चुके हैं। थोड़ा मतलब कंसिस्टेंस नहीं है लेकिन फॉर्म में है, गेंदबाजी अच्छी करें। रॉजर बहुत ही खतरनाक फॉर्म में है, पिछले 5 मैचों में 2 बार 2 विकेट और 2 बार 3 विकेट ले चुके हैं। साथ ही साथ मेरेडिट भी पिछले 5 मैचों में 2 बार 3 विकेट ले चुके हैं। तो मेरेडिट और रोजर्स पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। साथ ही साथ एलिस और लमिछेने भी अच्छे फॉर्म में हैं, विकेट्स तो ये भी ले रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंस नहीं है। तो गेंदबाज भी इनके फॉर्म में हैं और तीन बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में, मतलब कि इनकी कमज़ोर कड़ी बस यही है कि टॉप 3 गया तो फिर मैच भी गया, मतलब कि होवर्ट के हाथ से लगभग लोगों मैच निकल जाता है। वेदरन को मेरेडिट ने 6 बार आउट किया है, रॉजर ने वेदरन को 3 बार आउट किया है। उसके अलावा शॉट को एलिस ने 4 बार आउट किया है, ये है कुछ बड़ा रिकॉर्ड। शॉट को सीडल ने 5 बार आउट किया, शॉट को एगर ने 2 बार आउट किया है, शॉट को वरल ने 2 बार आउट किया है, वेट को सीडल ने 3 बार आउट किया है, वेट को वरल ने 2 बार आउट किया है, मैकडॉर्मंट को वरल ने 2 बार आउट किया है। साथ ही साथ मैकडॉर्मंट को सीडल ने भी 2 बार आउट किया है और मैकडॉर्मंट को राशिद खान ने भी 3 बार आउट किया है। टॉप परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टार्ची शॉट का 53 का एवरेज है, एडलेट के खिलाफ बहुत ही अच्छा खेलते हैं, 538 रन बनाए हैं। बेन मैकडॉर्मंट का 46 का एवरेज है, 281 रन बनाए हैं। मैथ्यू वेट का रिकॉर्ड भी बहुत ही खतरनाक है, एडलेट के खिलाफ 333 रन बनाए हैं, 83 का एवरेज है। और नाथन एलिस 7 विकेट लिए हैं, रिले मेडिस 6 विकेट लिए हैं। उधर से जैक वेदरेंड अच्छा खेलते हैं, होवर्ट के खिलाफ 424 रन बनाए हैं, जो नाथन वेल्स 332 रन बनाए हैं, पीटर सिडल 12 विकेट अगर 8 विकेट और राशिद खान 7 विकेट लिए हैं। आइए देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को हमने अपनी फैंटेसी टीम में शामिल किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपनी ड्रीम 11 की टीम में मैथ्यू वेट को ऐसे विकेट कीपर लिया है, 3 बल्लेबाज वेल्स मैकडॉर्मंट और रेंजो को हमने अपनी टीम में लिया है, डार्ची शॉट और टीम डेविड को एज ए ऑलराउंडर हमने अपनी टीम में लिया है, पीटर सिडल, राशिद खान, रिले मेरेडिथ, रॉजर और नाथन एलिस, ये 5 गेंदबाजों को हमने अपनी टीम में लिया है। और बाकी ये फाइनल अपडेटेड टीम नहीं है मेरी, कैप्टन हमने यहाँ पे बनाया है मैकडॉर्मंट को, वाइस कैप्टन यहाँ रॉजर को बनाया है। पिच के अनुसार, पिच रिपोर्ट जो भी होगी उसके अनुसार मैं अपनी फाइनल अपडेटेड टीम बनाऊंगा, जो टॉस के बाद पता चलेगा, और वो टीम जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। साथ ही साथ 2-2 मैचेस हैं, बहुत सारी अपडेट्स देनी है, तो टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगी, तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार ये जो मुकाबला है होवर्ट हरिकन्स की टीम जीत सकती है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि होवर्ट की टीम ये मुकाबला जीत सकती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि इस मैच में फाइनली एडिलेड की टीम जो है अपने लगातार मिल रही हार के चेन को ब्रेक करेगी और वापसी करेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk.